सिर्फ कुछ ही घंटे और हमें डंकी मूवी कल सुबह देखने को मिल जाएगी। बस एक रात का इंतजार है। और इस बीच जो धड़ल्ले से बुकिंग चल रही है, जो एडवांस बुकिंग में सिनेरियो देखने को मिल रहा है भाई, मिनटों मिनटों, घंटे भी नहीं, मिनटों मिनटों में रुझान बदले जा रहे हैं, जबरदस्त तबाही देखने को मिल रही। सामने सालार है, वो भी जबरदस्त टक्कर दे रही, लेकिन अभी डंकी की रिपोर्ट को पूरा कवर अप करेंगे। नेशनल चेन्स में क्या हाल है, ओवरसीज में क्या हाल है, उसके बाद भाई एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, अभी सिर्फ ऑनलाइन डेटा है, जो वॉक ऑन ऑडियंस है भाई उसके अलग ही रुझान है, वहाँ का डेटा अभी कवर अप कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। डंकी का ट्रेलर बुर्ज खलीफा पर रिलीज हो चुका है, और कोई चमका ना हो भाई, बुर्ज खलीफा पे अपने शाहरुख खान इस साल बहुत चमके हैं। पहले जवान के साथ, देन फिर पठान, देन अब डंकी के साथ, भाई तीनों मूवी के ट्रेलर इस बंदे के बुर्ज खलीफा पर चलाए गए हैं। मतलब इंटरनेशनली ये ट्रेलर चलाया गया है, वो इमारत जहाँ पर भाई दुनिया की नज़र होती है, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की नज़र होती है। उसके बाद एक और जबरदस्त मोमेंट क्रिएट करा है, 400 ड्रोन्स को मिलाकर एसआर के सिग्नेचर स्टाइल बनाया है भाई, वो भी जबरदस्त देखने को मिले। उसके बाद इंडिया में मूवी को ना 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज करने के लिए अभी जो अर्ली रेस्पॉन्स देखा जा रहा है, ये आंकड़ा और भी ऊपर बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए 4000 स्क्रीन्स टारगेट करी जा रही है। मूवी सिर्फ हिंदी में रिलीज करी जा रही है वर्ल्ड वाइड, बाकी जो पैन इंडिया अगर दिखाई जाएगी तो वही सबटाइटल के साथ दिखाएगी, लेकिन सिर्फ हिंदी को फोकस करके जा रहा है। और हिंदी से जो बुकिंग देखने को मिल रही है भाई, हिंदी से बहुत सॉलिड एंड फास्ट रेस्पॉन्स मिल रहा है। हिंदी 2D से ही मैं आपको बता दूं तो 10,92,00,000 का कलेक्शन सिर्फ एडवांस से हो चुका है इस मूवी का, और जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। साथ में 3,83,898 टिकट ये लोग सोल्ड आउट कर चुके हैं, और 12,999 सोज इनके खाते में आ चुके हैं। तो भाई जबरदस्त है, देखा जाए तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्लैश बहुत जबरदस्त चल रहा है भाई। सालार ने जो बुक माई शो पर तबाही मचाई है, जैसे ही उसकी प्रॉपर बुकिंग स्टार्ट हुई है, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है भाई, क्रैश हो गया था वहाँ बुक माई शो पर। तो बावजूद इसके भाई डंकी को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसी के साथ मेन सिटीज़ को कवरअप करें, जहाँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीजन है, जहाँ डंकी फाड़ रहा है भाई, सबसे अधिकतर कलेक्शन हमें नेशनल कैपिटल मतलब NCR, दिल्ली NCR से देखने को मिल रहा है। 1,66,00,000 का कलेक्शन वहां से आ चुका है सिर्फ एडवांस से। मुंबई से आ चुका है लगभग 1,23,00,000, बेंगलुरु से आ चुका है 1,14,00,000, हैदराबाद से 1,10,00,000, कोलकाता से 97,25,000, देन पुणे से भाई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है 37,72,000, एंड चेन्नई भाई ये बड़ा शॉकिंग देखने को मिल रहा है। मतलब चेन्नई में भाई तेलुगु डोमिनेंट रीजन है, तेलुगु डोमिनेंट लैंग्वेज, और वहाँ पर सालार को भर के प्यार मिल रहा है, बावजूद इसके चेन्नई से बहुत अच्छा एडवांस कलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये मूवी जब कल रिलीज होगी तो 1,00,00,000 का बुकिंग कलेक्शन भी आ सकता है। तो भाई चेन्नई में 26,45,000 का एडवांस बुकिंग चेन्नई से चल रहा है, जयपुर में 18,54,000, इंदौर में भाई 13,66,000 की बुकिंग यहाँ से ले ली है। तो अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी पूरी शाम बाकी है, 10-11-12 बजे के आसपास जो तबाही देखने को मिलेगी, फुल नाइट जो हमारी क्या कहते हैं एडवांस बुकिंग चलेगी भाई, डंकी सॉलिड तबाही में जा रहे हैं। उसके साथ नेशनल चेन्स में भी भाई कम आगनी मूत रही है मूवी, 1:30 बजे तक की अपडेटेड रिपोर्ट है आज 20 दिसंबर। डंकी 1,70,000 टिकट सिर्फ PVR, INX एंड सिनेपोलिस को मिलाकर बेच चुकी है भाई, ह्यूज कलेक्शन, ह्यूज तबाही देखने को मिल रही है भाई। इंडिया और नेशनल चेन्स में तो भर भर के तबाही चल रही, क्या ओवरसीज से क्या कलेक्शन आ रहा है भाई? ओवरसीज में भी दमदार रुझान देखने को मिल रहा है। $1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है प्री सेल्स में ही, मतलब एडवांस बुकिंग में ही भाई तबाही देखने को मिल रही है दमदार। वहां से भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। US एंड कैनेडा से $4,50,000 की एडवांस बुकिंग सिर्फ US एंड कैनेडा से ले ली है। उसके बाद मिडिल ईस्ट से भाई गल्फ कंट्रीज 1,80,000 के आसपास $ की बुकिंग यहां से ले ली है। यूरोपियन कंट्री से $2,00,000 वहां से आ चुका है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से भी भाई तबाही देखने को मिल रही है, 1,50,000 का $ का कलेक्शन वहां से भी आ चुका है, और टोटल ये बनता है $1 मिलियन क्रॉस कर चुका है सिर्फ ओवरसीज में। तो भाई ओवरसीज से भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसके बाद इंडिया में जो तबाही देखने को मिल रही है वो अलग है। तो भाई अब बात करते हैं कि डे वन पर यानी कल क्या ही इसकी ओपनिंग होने वाली है, क्या 100 करोड़ टच कर जाएगी भाई, जिस हिसाब से रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा रेस्पॉन्स हिंदी से और ज़्यादा उठ जाता है, क्योंकि सुबह जो हमने रिपोर्ट कवर अप करी थी उतना ज़्यादा इजाफा नहीं देखने को मिला है, थोड़ी हल्की रफ्तार से ये एडवांस बुकिंग में कलेक्शन कर पाया, लेकिन हो सकता है शाम से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल जाए।
नाइट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए। अगर एडवांस में ही सिर्फ इंडिया से ये मूवी 25 करोड़ के आसपास एडवांस कलेक्शन कर लेती है तो इजी टू इजी सिर्फ नेट इंडिया से 45 से 50 करोड़ का ओपनिंग आराम से कर सकती है सिर्फ नेट इंडिया से। और ओवरसीज से भाई ओवरसीज से $1 मिलियन ये क्रॉस कर चुकी है तो हो सकता है ओवरसीज से भी 25 या फिर 30 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल जाए। अगर चलो मिनिमम 20 करोड़ भी मान के चलें तो इजी टू इजी 80 से 90 करोड़ की ये सॉलिड ओपनिंग ले सकती है। आप लोगों का क्या कहने का, ये मूवी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन टच करेगी उससे भी पहले, क्या डे वन की ओपनिंग क्या रहने वाली, क्या 100 करोड़ टच कर जाएगी या 80 करोड़, 90 करोड़, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।